और भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया? सुना है तुम्हारे यहाँ दो गली छोड़ के किसी को कोरोना हो गया था। अब कैसी है उसकी तबीयत? हाँ भाई, अभी ठीक है। डॉक्टर ने उसे एक हफ्ते कैंटीन में रहने को बोला है। कैंटीन? हाँ, अरे वही जिसमें किसी से मिलते जुलते नहीं है और कमरे में अकेले रहना होता है। अच्छा, क्वारंटीन। हाँ, वही वही। इस लॉकडाउन में जो हमने सबसे ज्यादा नाम सुना है ना, वो है क्वारंटीन। हाँ सही बोल रहा है भाई। इस महामारी से पहले देश के 99% जनता को इस शब्द के बारे में कुछ नहीं पता होगा। सच बताएं तो ये नाम सिर्फ उसी आदमी ने सुना था जिसके कंप्यूटर में एंटीवायरस हुआ करता था। पर इस महामारी में हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और पुलिस वालों का काम भी बहुत बढ़ गया था। पूरी दुनिया घर में बैठ रखी थी और बेचारे ये पुलिस वाले धूप में ड्यूटी कर रहे थे, ये ताकि बेवजह में लोग बाहर ना निकले। पर हमारे देश की जनता भी ना एक नंबर की ढीठ है। चलो, कुछ लोगों की तो मजबूरी थी कि उन्हें जरूरी काम था, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ ये देखने बाहर निकले कि आखिर बाहर निकले कितने लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें घर वाले बाहर से कुछ सामान लाने के लिए बोल दें तो इनके पेट में दर्द होने लग जाता है, और जब सरकार ने बोला कि बाहर नहीं निकलना तो ये लोग बाहर जाने के लिए ऐसी तड़प रहे थे जैसे जल बिन मछली। और जो ऐसे लोग फिर पुलिस वालों के हत्थे चढ़ते तो आए। क्या हुआ भाई, कुछ याद आ गया क्या? हाँ भाई, ये घटना तो मेरे साथ भी हुई थी। एक बार लॉकडाउन में सब्जी लेने बाहर निकल गया, पुलिस वालों ने डंडे मार के जो पिछवाड़ा तोड़ा है ना, एक हफ्ते लग गए जुड़ने में। अरे मेरा पिछवाड़ा देख के तो बंदरों को कॉम्प्लेक्स होने लग गया था कि अरे इसका पिछवाड़ा हमसे ज्यादा लाल कैसे। जैसे ही गद्दे पे अपना पिछवाड़ा रखता, सच में ऐसा लगता जैसे किसी ने ऑल पिन चुबा दिया हो। एक हफ्ते तक ठीक से बैठ नहीं पाया। सबसे ज्यादा परेशानी तो संडास जाने में हो रही थी। तूने खड़े खड़े सुसु करते हुए तो बहुत लोगों को देखा होगा, पर खड़े खड़े हटते हुए शायद किसी को नहीं देखा होगा। ओहो, लगता है काफी बुरा हाल था तेरे पिछवाड़े का। मत पूछ मेरे पिछवाड़े का हाल, तुझे रोना आ जाएगा। खड़े होने की आदत हो जाएगी इतनी कि तुझे खड़े खड़े धोना आ जाएगा। भाई ये तो मेरे साथ भी हुआ था। मोदी जी ने जब थाली बजाने को कहा तो मैंने सोचा खिड़की से अच्छे से आवाज सुनाई नहीं देगी, इसीलिए मैं नीचे चले गया थाली बजाने। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, थोड़ी दूर पे पुलिस वाला खड़ा था, वो मुझे दिखाई नहीं। उसने जो मेरे पीछे के दोनों पतीले बजाए ना, सच में उनकी आवाज थाली से ज्यादा थी। और तुम बताओ भाई, तुम्हारे घर का क्या सीन था? एंजॉय किया खूब बीवी बच्चों के साथ? अरे भाई क्या बताऊं, जब पहले ऑफिस जाता था तो मेरी बीवी मुझे हमेशा बोलती थी कि सारा दिन काम ही काम, कभी अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दे दिया करो। फिर ये लॉकडाउन हो गया, बीवी खुश हो गई, बोली लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। पहले तो बीवी रोज पूछती थी क्या खाओगे, शाम को चाय के साथ पकोड़े बनाओ या कचौरी। फिर जैसे धीरे धीरे दिन गुजरते गए, चाय के साथ पकोड़े तो नहीं, सिर्फ बीवी का मुंह बना हुआ दिखा। घर में इन 3 महीनों में घर वालों को इतना टाइम दिया, अब वो लोग टाइम देखने लग गए कि कब ऑफिस खुलेगा। और जैसे ही ऑफिस से मुझे फिर से रिजॉइनिंग का कॉल आया, बीवी ने सीधा बोला पहली फुर्सत में निकल, मेरे घर की सरस्वती कब दुर्गा में बदल गई मुझे पता ही नहीं लगा। एक बार जोश में आके मैंने बीवी को बोला कि आज तुम आराम करो, बर्तन मैं धोता हूँ। और फिर बर्तन धोते धोते मेरे मुँह से गलती से निकल गया कि तुमसे ज्यादा साफ बर्तन तो मैं धोता हूँ। हाय, आज तक ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले मैं जाके बर्तन धोता हूँ। भाई मेरे साथ तो सीन ही दूसरा था। लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझसे घर में नहीं बैठा जा रहा था। 3 महीने बाद जब लॉकडाउन खुला तो घर में बैठने की इतनी आदत पड़ गई थी कि ऑफिस में बैठ के काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे किसी गाड़ी को बहुत दिनों तक ना चलाया जाए तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है ना, वैसे ही लॉकडाउन में अंदर रह रह के मेरे दिमाग की बैटरी भी डाउन हो गई थी। क्या करें, इतनी छुट्टी एक साथ कभी नहीं पड़ी ना, बच्चों की भी सिर्फ 2 महीने की छुट्टी पड़ती है, हमारी तो 3 महीने की पड़ गई थी। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा भाव भी सैनिटाइजर के बढ़े हैं। साला कोरोना से पहले कोई पूछता नहीं था, अचानक से इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि शुरुआत में कुछ टाइम के लिए ये मिलना ही बंद हो गया था, और पहले छोटी छोटी बॉटल्स में आया करता था, अब देखो साला फिनाइल के जितनी बड़ी बॉटलों में आता है। भाई हमारा तो दोस्त ही सैनिटाइजर पीने लगा था। सैनिटाइजर क्यों पी रहा था वो सैनिटाइजर? अरे नशेड़ी है ना, उसने ठेके खुलने का इंतजार ही नहीं किया, बोला कि वैसे भी पैक में मैं 50% दारू और 50% पानी मिलाता हूँ, इसमें तो पहले से ही 70% अल्कोहल है। और भाई मेरे साथ पता क्या हुआ, हमारे घर के सामने एक लड़की थी जिसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी सोनम कपूर से मिलती थी, पर लॉकडाउन में वो ब्यूटी पार्लर जा नहीं पाई होगी, और एक दिन काफी टाइम बाद वो अपनी बालकनी में आई। भाई सच में वो सोनम कपूर कम अनिल कपूर ज्यादा लग रही थी। एक तो मास्क का डिजाइन बड़ा अजीब सा बनाया है, इसे पहन के बंदा आदमी कम, कभी तोता लग रहा होता है तो कभी बतख लग रहा होता है। लेकिन बेचारे इन लेडीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी,
क्यों भाई, ऐसा क्यों? नहीं, वो बाहर अब लोगों को अपनी लिपस्टिक का कलर नहीं दिखा पाती ना, मास्क जो पहनना पड़ता है। भाई तुम बताओ, तुमने इस लॉकडाउन में टाइम पास कैसे किया घर में? हम तो सोशल सर्विस कर रहे थे लॉकडाउन में। अरे वाह, वेरी गुड। आप जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे क्या, या फिर उन्हें उनके गांव तक पहुंचाने का अरेंजमेंट करा रहे थे सोनू सूद जी की तरह? नहीं यार, मैं दारू बेच रहा था ब्लैक में। अबे जा, मैं सोचा तुम जरूरत का सामान पहुंचा रहे होंगे लोगों के घर तक। भाई जी, लगता है आपने 5 मई को देखा नहीं कि इससे ज्यादा जरूरत की चीज और कोई नहीं है। हम मानते हैं कि राशन की दुकान में भी भीड़ होती थी, पर जब 5 मई को सरकार ने ठेके खोलने का आदेश दिया ना, तो ठेकों में भीड़ नहीं, भीड़ x100 थी। भीड़ x100? क्या बे, तेरे दिमाग से टिकटॉक का भूत नहीं निकला क्या अभी तक? टिकटॉक, इस बीमारी के बारे में कैसे भूल सकते हैं? पूरे लॉकडाउन में जिसे देखो बस टिकटॉक में घुसा था। साला हमारे यहाँ जिस बच्चे की हर खेल में कच्ची मिट्टी रखी जाती थी और जिसे क्रिकेट में एक्स्ट्रा में खिलाया जाता था, वो भी सिर्फ बॉल लाने के लिए, वो बंदा टिकटॉक में रणबीर सिंह बना फिर रहा है। चलो अगर रणबीर सिंह भी बना होता तो फिर भी चल जाता। इधर तो लौंडे दीपिका पादुकोण भी खुद ही बने फिर रहे हैं। अच्छा हुआ सरकार ने इसे सही टाइम पे बैन कर दिया, नहीं तो हमारे देश के लौंडे लोग टिकटॉक के चक्कर में अपना जेंडर ही चेंज करा लेते, जिसको देखो बस मीठा बना फिर रहा है। पर टिकटॉक को बैन करने से पहले इन लौंडों के माँ बाप को इनकी सारी वीडियो दिखानी चाहिए थी, जिनसे वो अपने इन टाइप के बच्चों का थोड़ा मीठापन दूर करते। पर क्या फायदा हुआ, एक टिकटॉक बंद हुआ तो 10 इसी तरीके के और प्लेटफॉर्म खुल गए, जहाँ पे वो फिर से यही करने लग गए। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग जिस प्लेटफॉर्म में जाएं उस प्लेटफॉर्म को ही बैन कर देना चाहिए। सच में बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, एक बार भी नहीं सोचना चाहिए। भाई ये लोग यूट्यूब पे भी हैं, और अगर सभी प्लेटफॉर्म बंद हो गए तो यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। मतलब बैन नहीं करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब सबका अपना अपना टैलेंट होता है। आखिर लड़के से लड़की बनना भी तो एक टैलेंट है। हर कोई थोड़ा ना बन सकता है ना। और वैसे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन में टिकटॉक ने 2 महीने तक लोगों का टाइम पास किया है। पर एक बात तो है, इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की बैंड बजा दी है। हम लोगों ने बाकी चीजों के बारे में तो रिसर्च करी, जैसे हमारी पृथ्वी पे एलियन अटैक हो जाए तो क्या होगा, पृथ्वी के अलावा अगर दूसरे ग्रह पे जीवन हुआ तो वो कैसे होगा, पूरे अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए तो हमारे कौन कौन से शहर कहाँ कहाँ तक डूबेंगे, यहाँ तक कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो कौन कौन से देश किस किस की तरफ होंगे, ये तक पता कर लिया था। पर ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा कि सब लोग घर पे बैठे होंगे और जंगली जानवर शहरों में मजे से घूम रहे होंगे, पूरी दुनिया बंद पड़ जाएगी, फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा, लोगों के बिजनेस बंद हो जाएंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोग एक दूसरे से मिलना ही बंद कर देंगे। इस कोरोना ने छोटे से लेकर बड़े लोगों तक किसी को भी नहीं छोड़ा। पर एक बात है, इस कोरोना से नुकसान हुआ है तो कुछ फायदा भी हुआ है, और इसका सबसे बड़ा फायदा प्रकृति को हुआ है। पोल्यूशन कम होने की वजह से हवा इतनी साफ हो गई है कि जालंधर के लोगों को अपने घर से बैठे बैठे 100 किलोमीटर दूर हिमालय के पहाड़ दिख रहे हैं, और जिस गंगा यमुना को हमारी कई सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर भी साफ नहीं कर पाई थी, उसे प्रकृति ने खुद से ही साफ कर दिया। हाँ, और आजकल तो आसमान में तारे भी दिखने लगे हैं भाई। पर इस लॉकडाउन की वजह से हमें एक चीज तो पता लग गई है कि अगर इंसान तरक्की करे तो प्रकृति को नुकसान होता है, और अगर प्रकृति को ठीक करना है तो इंसान की तरक्की रुक जाती है। यार हम इंसानों को ये सोचना चाहिए कि हम खुद की तरक्की और प्रकृति की सुंदरता दोनों साथ साथ में कैसे कर सकते हैं।